लास्ट हमने देखा ये भीष्म जी ने यार जिस तरह उनको रोका ना, धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को, कि भाई रुक जाओ, तो भाई हमें देखना है कि आखिर क्या होता है। तो प्ले करते हाँ हैं। भाई प्ले करो बस, बड़ा यार एपिसोड है। खुशी देखो हमारी भाई, विष्णु जी होता है ना, मजा आ गया। हेलो अधर्म मत, अधर्म। ये क्या कर रहे हो पुत्र? अब लड़े तो विष्णु से पता चले। कोई बताए हमें बताए, विष्णु कोई नहीं लड़ सकता। भगवान इनको आपके देखो ना, उसके भी सिंहासन पर ही है। अच्छी यार, दुर्योधन का राज्याभिषेक किसकी अनुमति से कर रहे हो तुम? अनुमति तुम्हारी कमी थी बस। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को बोल ही नहीं देता, खुद बोलता है। निर्णय लेते हैं महाराज। ऑन रहिए गांधार राज। मैं शांतनु पुत्र देवव्रत भीष्म, मैं सदैव हस्तिनापुर के राजा के आगे चलता हूं। ये मेरा प्रण है। धर्म के मार्ग पर मैं हस्तिनापुर के राजा के आगे चल उसका रक्षण करता हूं। अधर्म के मार्ग पर मैं उसके सामने खड़ा होकर उसका विरोध करता हूं। इसीलिए मेरी अनुमति ना हर है। किंतु माने आप राजा के किसी भी कार्य को किस प्रकार रोक सकते हैं? आपने तो प्रण लिया है कि आप हस्तिनापुर के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएंगे। मेरा प्रण है हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य को एक करना। अधर्म को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा देखूंगा, अवश्य अपने शस्त्र उठाऊंगा। मेरा प्रण नहीं टूटता है। किसी में सामर्थ्य है, किसी में सामर्थ्य चले जा आओ। जो मेरा प्रतिकार कर सके, ये आए ये अपने बाप से भी लड़ता है। क्षमा करें महामहिम भीष्म, किंतु यदि मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर से आदेश दिया जाएगा तब मैं अवश्य अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करूंगा। ये तो नहीं जानता कि मैं अपने मित्र को विजय दिला पाऊंगा नहीं, किंतु उसके रक्षण हेतु मैं अपने प्राण भी न्योछावर करूंगा। इतनी वफादारी भी सही नहीं करना। इस राज्याभिषेक से पूर्व अंगराज को आदेश दो, ये अपने शस्त्र उठाए। और राजकुमार दुर्योधन भी ये जान ले, जब अधर्म को रोकने का समय आता है देवव्रत भीष्म कितना भयानक युद्ध करता है। नहीं ताक्षी, नहीं, आपके अपमान का कोई आशय नहीं, किंतु ताक्षी मैं अपने पुत्र को राज्य का भार देकर संन्यास ग्रहण करने की इच्छा रखता हूं। ताक्षी अवश्य कर सकते, तुम कार्यकारी राजा और अपने पुत्र को कार्यकारी राजा बना सकते हो, किंतु अभिषेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं राज्य अभिषेक महामहिम? कोई तो कारण होगा। जब युवराज अभिषेक हो चुका है तो राज्य अभिषेक करने में क्या आपत्ति है? दुर्योधन के युवराज अभिषेक का कोई मूल्य नहीं है।
कैसे मूल्य नहीं है पितामह? आप ही ने अनुमति दी थी मेरे अभिषेक की। किंतु पहला युवराज अभिषेक युधिष्ठिर का हुआ था। वारणावर्त में पांचों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है पितामह। जब पहला युवराज जीवित ही नहीं तो अवश्य मेरा युवराज होना स्वयं सिद्ध है। पहला युवराज अभी जीवित है। धर्म की टोली के जमीन नीचे निकल गई। इनको सेमल में पता है, मां विष्णु का पहले से पता है। पांडु के पुत्र जीवित है। पांचाल की पुत्री का स्वयंवर दुर्योधन तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इतनी कठिन प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता को जीतने वाला साधारण ब्राह्मण हो सकता है? वो अवश्य ही अर्जुन था। और यदि अर्जुन जीवित है तो युधिष्ठिर भी जीवित है। अब मानते हो धृतराष्ट्र, दुर्योधन का राज्याभिषेक अधर्म है। तेरी पसंद अभी तो झटका लग गया भाई धृतराष्ट्र। अब यदि युधिष्ठिर जीवित है तो अवश्य ही दुर्योधन का राज्य अभिषेक नहीं किया जा सकता। तो कहां है पांडु पुत्र महामहिम? यदि पांडु पुत्र जीवित है तो उनका मुख दिखाइए। विदुर कांपिल्य गया है लाने के लिए। हम किस प्रकार मान लें कि महामंत्री कांपिल्य गए हैं? महाराज की आज्ञा लेकर तो नहीं गए? उनकी ओर से संदेश के कोई नगाड़े भी नहीं सुने हमने महाराज। अवश्य लौटे शीघ्र। कितने दिन, कितने वर्ष महाराज? कुछ समय सीमा अवश्य होनी चाहिए। हाँ, समय की मर्यादा तो होनी ही चाहिए ताक्षी। दो दिन, तीन दिन, एक सप्ताह। यदि एक सप्ताह के पश्चात भी पांडु के पुत्र न लौटे या उनका कोई समाचार नहीं आया तो दुर्योधन का राज्याभिषेक होना अनिवार्य होगा था। और उस समय आपको भी यह निर्णय स्वीकार करना होगा था। भाई समाचार आ गया। एक सप्ताह नहीं, एक प्रहर भी नहीं महाराज। सुनिए, युवराज युधिष्ठिर के स्वागत में शंखनाद आरंभ हो चुका है। पांडव हस्तिनापुर आ चुके हैं।
धृतराष्ट्र आ गए। धर्म हस्तिनापुर लौट रहा है। शक्ल ही बिगड़ गई सबकी भाई, अभी पांडु पुत्र आ गए, अब देखेंगे ना क्या होता है यार। मजा आ रहा है अभी हमें महाभारत में। और जो भीष्म जी ने भाई आज जो चैलेंज दिया सबको कि आ जाओ जिसमें हिम्मत है, तो भाई वहाँ तो कोई नहीं है हमें पता है, लेकिन भाई करना में वो थोड़ी बहुत हमें हिम्मत लगती है, क्योंकि सूर्य देव के बेटे हैं भाई। तो वो तो भाई इतना वफादार अपने मित्र का हो गया, बोलता है मुझे अभी आदेश मिले मैं अभी अपने शस्त्र उठाऊँ। तो भाई ये युद्ध पता नहीं क्या होगा। बाकी तो यार पांडु पुत्र आ गए, ये हमें बड़ी खुशी है, मजा आ गया भाई। पांडु पुत्र तो आ गए, ये तो बड़ी एक्साइटेड खुशी होगी। बाकी महाभीष्म जी ने जो चैलेंज किया ना, सारे जो अधर्मी थे उनकी सारी की सारी जो सांसें अटक गई, बस वो आ जाते ना शकुनी मामा उससे लड़ने तो मजा आ जाता, तो वो सारी उसको गाड़ देते। महाराज धृतराज भी बोले भाई 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, हफ्ता ले लो, तो उसके बाद अगर पांडु पुत्र नहीं आए ना तो बस मैं अपने ही बेटे का सिंहासन दे दूंगा। पर भाई महाविष्णु ने बोला अभी 1 दिन भी नहीं, 1 पहर भी नहीं, अभी आ गया है। क्या जबरदस्त ये एपिसोड आ गया, अधर्म योगी ना जल गई यार। अधर्म योगी जो टोला है ना, अधर्म योगी टोली, वो भाई पूरी देशनेस हो गई, उनका तो सारा प्लेन चौपड़ हो गया। और एक प्लेन उनका खराब होता है, दूसरा प्लेन वहीं पर बन जाता है, शकुनी बैठा है दूसरा प्लेन। भाई टाइम ले लो, टाइम दे दो इनको भाई, क्या बात है यार ये इनकी, भाई कितने हराम खोर है यार, इतनी यार चालाकियाँ भाई हमने कभी नहीं देखी। और भीष्म जी तो कमाल है भाई, क्या उसको चैलेंज दे दिया। और करुणा तो भाई फुल वफादार बन गया, ये भी पागल हो गया, ये भी अधर्मी हो गया, इसको भी मारना चाहिए, इसकी अकल ठीक होनी चाहिए। भीष्म जी अगर लड़ते ना तो इससे मज़ा आ जाता। बाकी यार ये आगे पांचों पांडव पुत्र मज़ा आ गया, ये तो अभी आगे देखेंगे जरूर। क्या करें, करुणा अधर्मी कैसे हो सकता है यार, वो धर्म पर है बट थोड़ा उसमें वफादारी का कीड़ा घुस गया है ना, वरना वो ठीक है। चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।